तो हम लोग अभी जो नया चावल का प्रोग्राम है, हम लोग अभी आज नया चावल खाएगा, तो उसका प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले हम लोग कुछ वर्शिप करते हैं ना वो लोग, तो उसके बाद हम आपको दिखाएगा सब प्रोसेस कि कैसे होता है। तो चलिए मेरे साथ। ये फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। मुझे अलग ट्राइब का तो पता नहीं वो लोग कैसे करता है, पर अरुणाचल के जो निशी ट्राइब का है, जो बहुत सालों से ये फेस्टिवल को मनाते आ रहे हैं। बिफोर दिस फेस्टिवल वो लोग अपना जो दान है वो लोग घर में भी वो लोगों ने ला सकते हैं, ऐसे नियम होता है। मतलब वो लोग ऐसे बिलीव रखता है। इस फेस्टिवल के दौरान वो लोग नेवर्स, रिलेटिव्स और जितने भी मेहमान, बाहर के लोग, जिसको भी आप बुला सकते हैं, वो लोग सब दावत के लिए बुलाता है। और ये फेस्टिवल होने के बाद वो लोग अपना हार्वेस्ट शुरू कर देता है, जो दान वगैरह काटना शुरू कर देता है वो लोग। उन लोगों का बिलीव है कि ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करने से वो लोग अपशगुन माना जाता है। आदमी लोग सब साथ में मिलके मतलब साथ में खाता है, पर इस बार कोरोना का वजह से जो कॉलोनी वाइज मतलब ऐसे खा रहे हैं। हम लोग अभी एक पर्टिकुलर हम लोग ना किसी का घर में, जो मेरा अंकल का घर है वो भी, तो वहाँ में जाके हम लोग वहाँ में प्रोग्राम बनाया है, तो वहाँ सब गैदरिंग होगा और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए चला। तो ये घर में हम लोग अभी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यहाँ में सब प्रोग्राम होगा, सब यहाँ पे बस्ती आदमी लोग यहाँ पे गैदरिंग होगा। ये लोग डांस गाना के लिए अभी वेलकम सॉन्ग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? प्रिपरेशन कैसे चल रहा है आप लोग का? ये बोल रहे हैं कि जो अभी ये लोग गाना के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो लोग अभी तो दान लगा के उसके बाद ये अभी काटने का समय है ना, तो उसके लिए वो लोग खुशी से ये गाना मतलब गाते हैं। बोले हम लोग वैसे तो हर साल हम लोग चर्च में साथ में मनाते हैं, पर इस बार कोरोना का वजह से
कॉलोनी वाइज ये लोग एक ही घर में बैठ के वो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए घर के अंदर जाके देखते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ के घर कैसे है। लेट्स सी कि घर के अंदर क्या है। एक्चुअली हम लोग चर्च में ये सब देते हैं ना, तो आपका बागान में जो भी कुछ है ना, तो उसको मतलब खुशी से गॉड को हम लोग वो करते हैं, गिफ्ट करते हैं इसको। तो इसको जैसे कि अभी जो खरीदने वाला भी आएगा, तो जो वो पैसा से इसको जो खरीदेगा वो पैसा को हम लोग चर्च में हम लोग दे देगा। तो हम लोग का आज का जो स्पीकर है, हम लोग अभी वर्शिप करने के लिए हम लोग स्पीकर बुलाते हैं, तो वो आ चुका है। लेट्स सी कौन है। वो हम लोग का स्पीकर है। तो ये लोग वर्शिप के बाद ये लोग खाना खा रहे हैं।
I'm not going to do that.